महापालिकेच्या विरोधात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीनं विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. हजार आणि 500 नोटा बंद करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वसामान्य जनतेस वेठीस धरणार आहे. कोणतेही पूर्वनियोजन न करता हा निर्णय जनतेवर लादण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केलाय. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की बँकेसमोर रांगा लावायच्या असा सवाल करत विद्यार्थ्यांजवळ पैसेच नसल्याचं त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो, विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे सचिव अमेर जेतमुरवाल, विजय कंदारे, अजमत पठाण, जेस्मी शिंदे आदिंचा समावेश होता. काला धन जो निकालने के लिए ये नोटबंदी का आपने अभियान चलाया तो इसका आम जनता पे जो असर हुआ है उसके जवाबदार कौन है? आज आम जनता जो रुपए रुपए के लिए मोहताज हो रही है, शादी के लिए, हॉस्पिटल के लिए परेशान हो रहे हैं, उसका जवाब हमको चाहिए. और मोदी सरकार ने जो आम लोगों के खाने पीने के हाल कर दिए उसका जवाब हम लोगों को चाहिए. इसके अंदर विद्यार्थ्यांसाठी जे रोजचे जे जाणे येण्याची जी समस्या वाढलेली आहे ती कमी व्हायचं नावच घेत नाही. आतापर्यंत विद्यार्थी पूर्णपणे हे नाराज झालेले, बँकेच्या लाईनीमध्ये उभे राहून ते पूर्णपणे हे झालेले, त्यांना कॉलेजची अक्षरशः कॉलेजची फी भरण्यासाठी पैसे नाही, त्यांच्याजवळ जाण्या येण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाही आहे, त्यांचं ऍडमिशन त्यांना आता ह्या वर्षी घेऊ शकत नाही येते, एवढ्या समस्या त्यांच्या समोर निर्माण झालेल्या आहे. नोटबंदी का ऐलान आया है इसके वजह से विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही है. आज हमारा विद्यार्थी कॉलेज छोड़ के अपने काम धाम छोड़ के बैंकों की लाइन में लगा हुआ है. काफ़ी लोग, काफ़ी परीक्षाएं चल रही थी मगर सब परीक्षा छोड़ के बैंक की लाइनों में खड़े हुए हैं और अपने एग्जाम की फीस का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे लोग और इसी तरह उनका एक एक साल पूरा बर्बाद हो रहा है. अभी मुझे ये जवाब चाहिए कि हम एग्जाम देंगे, हम कॉलेज जाएंगे कि बैंक की लाइनों में खड़े रहेंगे. आप इसका अगर आपने डिमोनेटाइजेशन किया हुआ है चलो ठीक है, वो भी एक तरफ से मान्य है मगर उसके लिए आपने विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं तो कुछ देनी चाहिए थी. एंड टाइम पे ऐसे वक्त में अगर आप अचानक ऐसा कर दोगे तो हम गरीब लोग जाएंगे कहाँ, हम विद्यार्थी लोग जाएंगे कहाँ? आपने सिर्फ 6% काले धन रखने वालों के वजह से हम 94% लोगों को तकलीफ में डाला है.